तो भैया अभी हम जा रहे हैं मुल्तान, क्योंकि कपड़े लिए हैं कुछ दिन पहले। एक मिनट। हाँ, तो हमने लिए हैं कुछ दिनों पहले सूट जो कि इस भाई ने लेके दिए थे, और अभी हम उसकी शलवारें लेने, वैसे फ्रेगनेंस अच्छा था तो उसकी, अभी हम शलवारें लेने जा रहे हैं और बगैर किसी देर के, बगैर किसी चलते हैं शलवारें लेने। ईद की शॉपिंग हो गई हमारी, अड्डी के बाहर औरतों की लाइन लगी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से, लेवाइस पे भी आप देखें। अभी हुकूमत कहती है घर बैठो, देख रहे हो फिर रश, इतना रश है यार। पहली दफ़ा आज आवाम निकली हुई है ना, जैसे हुकूमत। हाँ तो मैं भी हूँ, मैंने कौन सा कहा, तो मैं इसलिए तो आया। तो कपड़े हो गए, और कपड़े मैंने अभी तो दिखा नहीं थे, ये बाकी स्टिच करवाए हैं, और उसके साथ साथ इतना शदीद रश। अगर आप कुछ लेना भी चाहते हैं ना यार, तो आप यकीन माने 9-10 बजे सुबह ले लें अभी ईद से पहले, क्योंकि यार 1-2 बजे के बाद तो यार ऐसा रश होता है ना जैसे कोई मुफ्त में दे रहा है। ये सारे ब्रांड्स आपको मुफ्त में दे रहे हैं, तब भी इतना रश ना होता यार जितना आजकल हो रहा है। तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई जो लेना चाहते हैं ना कोई भी शॉप से, तो भाई 1 बजे से पहले पहले ही ले लो आप, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मौसम भी सही होता है और धूप भी नहीं होती। अगर 1 बजे के बाद गए तो भाई रुल गए हो आप, बस फिर यही कहोगे रुल तक गए तो चस बड़ी आई है। और दूसरी अहम तरीन बात वो क्या है, वो ये कि जब भी आप शॉपिंग के लिए निकले तो भाई अपने साथ ये सारी चीज़ें, मास्क वगैरह और पूरा सिक्योर होके निकले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कपड़ों के साथ साथ अपने घर में कोरोना भी लेके आएँ, क्योंकि WHO के मुताबिक पाकिस्तान में अगले 14 दिनों में, क्योंकि ईद के लिए, टोटल कोरोना वायरस के केसेस का डबल होने का इम्कान है, जितने प्रेजेंट हैं उनसे डबल। तो अपना ख्याल रखें और करें शॉपिंग ईद की, टिका के मिलते हैं जल्द।